नोएडा के सेक्टर 45 स्थित सदरपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार कार ने तीन वाहनों को कुचल दिया। घायल बहनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है जबकि दो की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने गाड़ी चालक को हिरासत में ले लिया है और कार को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है।